नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज मोटोबीम हिंदी पर। हम रिव्यू कर रहे हैं महिंद्रा की XUV 500, जो एक बहुत ही बेहतरीन कार है और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इस वीडियो में मैं आपको 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बताऊँगा महिंद्रा की ये XUV 500 के। XUV का सबसे बड़ा फायदा उसका डिज़ाइन है। देखने में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है और इसका जो साइज है उसके वजह से लोगों को काफ़ी पसंद आती है। महिंद्रा ने XUV में बहुत ही ज़्यादा फीचर्स डाल दिए हैं। इनफैक्ट इस कार में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो गाड़ियाँ इससे ज़्यादा महंगी हैं उनमें भी नहीं आता। उनमें से कई आकर्षक फीचर्स हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एक लोगो जो रोड पर XUV प्रोजेक्ट करता है रात को, और एक ऑडियो सिस्टम जो एक टच स्क्रीन यूनिट है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी हैं इस कार में और रिवर्स कैमरा भी। और सबसे अच्छी बात है इस कार की सीट्स, बिकॉज जो लेदर टच है और जो कलर है वो उसको बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम अपील देता है। इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। इनफैक्ट इसमें सनरूफ भी है। जो ये 2.2 लीटर डीजल इंजन XUV में है वो बनाता है 155 हॉर्सेस और 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ही पंची है, लो एंड परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है और मिड रेंज में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 12 सेकंड के अंदर आता है। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब ये डीजल इंजन ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है और ये ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स बहुत ही अच्छा है, बिकॉज शिफ्ट में ये काफ़ी तेज़ है। और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है, बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रिम्स में। XUV की प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव है। इस कार में जो जो फीचर्स आते हैं कोई भी गाड़ी इस प्राइस पे इतना सब ऑफर नहीं करती। अब जब हम बुराइयों की बात करें, इस गाड़ी की सबसे बड़ी बुराई इसकी सस्पेंशन है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है खराब रोड्स पर, और ऊपर से इसकी राइड बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे पॉटहोल आप महसूस कर सकते हैं कैबिन के अंदर। हालांकि XUV एक 7-सीटर है, लेकिन इसकी लास्ट रो में बिल्कुल ही जगह नहीं है, और जब आपने तीनों रो ऑफ सीट्स ऊपर की हुई हैं तो बूट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो या तो ये एक 7-सीटर है जिसमें लास्ट रो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, या फिर ये एक 5-सीटर है जहाँ पर आपको एक बड़ी बूट मिलती है। XUV की बिगेस्ट राइवल टाटा की हेक्सा है, जो एक बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म कार है। मीनवाइल ये गाड़ी एक मोनोकॉक प्लेटफॉर्म कार है। हालांकि इसके वजह से इसका वजन कम होता है, लेकिन फिर भी इसकी चलने में इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बॉडी रोल है इस कार में। स्टीयरिंग में भी ज़्यादा फील नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करता है जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहते हैं। XUV ऑटोमेटिक 4 वेरियंट्स में अवेलेबल है और जो मैनुअल है वो 7 वेरियंट्स में अवेलेबल है। जो ऑटोमेटिक है उसकी प्राइस लगभग 1.5 लाख ज़्यादा है मैनुअल से, लेकिन मैनुअल गेयरबॉक्स बहुत ज़्यादा ही नॉची है, इसलिए आपको ज़रूर ऑटोमेटिक ही लेना चाहिए अगर आप XUV लेना चाहते हैं। महिंद्रा की XUV मार्केट में केवल 7 साल से है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारे इश्यूज अभी भी हैं, जैसे कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें अभी भी छोटी छोटी ग्लिचेस हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो ब्लूटूथ सिस्टम है उसमें सिर्फ ऑडियो चलता है लेकिन फ़ोन नहीं चलता, और इसके जो वॉइस कमांड्स हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से ही चलते हैं। अगर आपके पास महिंद्रा की XUV 500 है तो आप अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को एक लाइक यानी कि एक थम्स अप ज़रूर देना, और मोटोबीम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है फैसल खान, मैं आपको देखूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।